इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स एक ऐसी रेस में निकल चुके हैं कि वो अपने कस्टमर्स को एक अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ एक बहुत एग्रेसिव लुक वाली गाड़ी देना चाहते हैं। टोयोटा भी अब इस दौड़ में जुड़ चुका है एंड मारुति से उन्होंने फ्रॉक्स लेकर लॉन्च कर दिए नई टोयोटा टेजर एंड मेरे सामने खड़ा है टेजर का बेस मॉडल ई विंड। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको ये वाली गाड़ी क्यों लेनी चाहिए एंड इस वाली गाड़ी लेकर क्या बेनिफिट है। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला रिव्यू। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं इस टोयोटा टेजर के प्राइसिंग एंड वेरियंट की बात कर लेता हूँ, तो आज मेरे सामने खड़ा टोयोटा टेजर का बेस मॉडल ई विंड एंड इसकी प्राइसिंग है 7,74,000 रुपये। ये फोटो को बोर्ड द की ऑफ दिस कार, सो आपको अगेन ये मारुति वाली चाबी मिल जाती है, बट यू नो ये लॉक एंड अनलॉक करने पर टुक टुक नहीं करती है एज पार्ट ऑफ अगेन कॉस्ट कटिंग। अगर इस गाड़ी यहाँ पे मैं फ्रंट की बात कर लेता हूँ, सो अब आपको यहाँ पे मारुति की जगह यू नो टोयोटा का लोगो मिलता है जो दिख जाएगा एंड जो इस गाड़ी की ग्रिल है वहाँ पे आपको किसी तरीके प्राइम पियानो ब्लैक एलिमेंट नहीं मिलते। अगेन आपको यहाँ पे ग्रिल के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट दे दिया गया है, बट द कार लुक्स वेरी वेरी बेसिक फ्रॉम द फ्रंट। जो इस गाड़ी की हेडलाइट है यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर मिल जाएगा एंड इज़ अ हेलोजन बल्ब वन जिसके इंडिकेटर भी यहाँ पर लोकेटेड है। आपको यहाँ पे पार्किंग बल्ब भी अगेन मिल जाता है, बट यू नो गाड़ी फ्रंट से बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। अगर इस गाड़ी के यहाँ पे मैं टायर की बात कर लेता हूँ, सो अगेन आपको यहाँ पे 16 इंची के स्टील रिम मिल जाते हैं एंड टायर साइज 195/60R16। आपको इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए एंड जिस गाड़ी के ये वाले यू नो IORVM है वो ऐसे ही बंद हो जाते हैं एंड जो उसकी एडजस्टेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे ऐसे उंगली मार के ही करनी पड़ेगी। अगेन आपको यहाँ पे यू नो बॉडी कलर वाले डोर हैंडल बार नहीं मिलेंगे, इट इज़ जस्ट द प्लास्टिक वन। यू नो रेप्लिकेट की आप एक बेस मॉडल चला रहे हैं। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं रियर की बात कर लेता हूँ, सो अगेन आपको यहाँ पे आप डिफरेंट टेलर मिलती हुई जरूर दिख जाएंगी, बट अगेन इट इज़ अ ऑल LED यूनिट, दैट्स व्हाट आई फील। आपको यहाँ पे ई की भी बैजिंग मिल जाएगी, टोयोटा की भी बैजिंग मिल जाएगी एंड आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे अर्बन क्रूज़र टेजर की बैजिंग मिलती हुई जरूर दिख जाएगी। बेस मॉडल चाहिए आपको इस गाड़ी के अंदर यू नो यहाँ पे सेंसर्स भी दे दिए गए हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी कूल पार्ट। अगर इस गाड़ी के यहाँ पे मैं बूट स्पेस की बात कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक, सो आपको अगेन इस गाड़ी के अंदर 308 लीटर की बूट स्पेस यहाँ पे मिलती है जो दिख जाएगी एंड जो ये वाली सीट है वो 60-40 के रेशियो पे स्प्लिट हो जाती है। आई थिंक आपको यहाँ पे 5 फीट भी मिल जाती है, बट वो यहाँ पे अभी नहीं लगी हुई है। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे यू नो मैं लेंथ की बात कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे 3995 mm की लेंथ मिल जाती है, 2520 mm का व्हील बेस मिल जाता है एंड आई थिंक आपको यहाँ पे 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती हुई जरूर दिख जाएगी। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं रियर सीट की ओर चलता हूँ एंड ये दरवाज़ा मैं खोल लेता हूँ, सो अगेन आपको यहाँ पे फैब्रिक मिलता हुआ जरूर दिख जाएगा एंड बेस मॉडल से ही चारों डोर पे आपको यहाँ पे पावर विंडो भी जरूर मिल जाती है। जिस गाड़ी की रियर सीट्स है उसके अंदर आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बट अगेन द आर्मरेस्ट इज मिसिंग इन द सेंटर। जैसे ही इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ एंड दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, सो अगेन द कार इज वेरी वेरी साइलेंट फ्रॉम इनसाइड। आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है एंड अपना फ़ोन आप यहाँ पे एंड यहाँ पे भी रख सकते हैं। जिस गाड़ी का हम पे उतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट अगेन सिंस दिस कार यू नो विथ वाइज इतनी ज़्यादा भी चौड़ी नहीं, सो अगर पीछे तो यहाँ पे दो बंदे बैठे तो डैट वुड बी अ वेरी वेरी प्रेफरेबल पार्ट। टेजर का जो अगेन कॉकपिट एरिया है वो थोड़ा सा यू नो बेसिक तो है, बट कहीं ना कहीं मारुति या फिर हम कह सकते हैं टोयोटा ने आपको एक प्रीमियम एलिमेंट देने की जरूर कोशिश करी गई है। जो इस गाड़ी का डोर पैनल है वहाँ पर भी आपको यहाँ पे फैब्रिक मिल जाता है, आपके पावर विंडो बटन यहाँ पे लोकेटेड है, आप गाड़ी लॉक एंड अनलॉक इस बटन से कर सकते हैं एंड अगेन स्टोर सम स्टफ ओवर हेयर टू। अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपको उसके लिए चाबी यहाँ पे ऐसे लगानी पड़ेगी एंड आपकी गाड़ी यहाँ पे आराम से स्टार्ट हो जाती है। फुल स्वाइप आपको यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखेगा, बट अगेन द स्क्रीन इज ऑल्सो वेरी वेरी बेसिक। आपको इस गाड़ी की यू नो सीट के अंदर किसी तरीके का हाइड्रेशन फंक्शन मिलता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। योर ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन इज लोकेटेड ओवर हियर, ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड जैसे इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ एंड दरवाज़ा अगेन बंद कर लेता हूँ, सो अगेन आपको बेस मॉडल से इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता हुआ जरूर दिख जाएगा, जो आपको मारुति की बाकी गाड़ियों में भी मिल जाता है। जो गाड़ी की अगेन MID है उसके अंदर आपको यहाँ पे दो बड़े डायल मिल जाते हैं एंड जो सेंटर वाली स्क्रीन आपको यही ट्रिप पे ट्रिप भी डिस्टेंस टू MT एंड पीछे वाली सीट बेल्ट यू नो लॉक है या अनलॉक है आपको उसके लिए भी यहाँ पे इंडिकेशन मिलती हुई जरूर दिख जाएगी। अगर इस गाड़ी के यहाँ पे मैं स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेता हूँ, सो अगेन इट इज़ अगेन अ वेरी वेरी बेसिक वन। टोयोटा का लोगो आपको यहाँ पे सेंटर में मिल जाता है एंड अगेन दिस स्टीयरिंग व्हील कम विद द रियर फंक्शन, बट द रीच इज मिसिंग फ्रॉम हेयर। आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिशिंग जरूर दे दी गई है, आपको यहाँ पे पियानो सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया गया विद द ब्रश सिल्वर फिनिशिंग एट द सेम टाइम। प्लास्टिक बूट आपको यहाँ पे एंड यहाँ पे भी देखने को जरूर मिल जाएंगे एंड यू नो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता हुआ नहीं दिखेगा। अगेन आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है एंड यू नो अगर आप इस गाड़ी का डेल्टा डेल्टा प्लस या फिर हम कह सकते हैं आप वी वाला या फिर जी वाला वेरियंट ले लेंगे, सो आपको यहाँ पे USB 8 टाइप का भी सॉकेट मिलता हुआ दिख जाएगा। आपको यहाँ पे दो का फोटो मिल जाते हैं, जो 5-speed gearbox is located over here एंड आपको यहाँ पे एक हैंड बैग मिल जाती है। अगर इस गाड़ी की ग्लव बॉक्स की बात कर लेता हूँ, सो आप यहाँ पे बहुत सारा सामान ईजिली रख सकते हैं। जो ये वाला ब्लाइंड है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा एंड
अगर इस वाले ब्रांड की बात कर ले तो यहाँ पे कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखेगा। इफ वी टॉक अबाउट द ए पिलर एंड ऑल्सो अबाउट द बी पिलर, सो यू नो अगेन वो थोड़े से चौड़े तो एंड ब्लाइंड स्पॉट भी बन सकते हैं, बट अगेन लिटरली सी द हुड ऑफ दिस कार एंड यू नो आई एम पर्सनली ड्राइविंग द फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट एंड मुझे ये गाड़ी यू नो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड यू नो मेरी पर्सनल इससे यू नो प्रायोरिटी भी है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बायस जरूर हो सकता हूँ ये वाली गाड़ी रिव्यू करते हुए एंड इसी बात पर जरा चली चलते हैं हम इस गाड़ी के इंजन की ओर एंड देखते हैं वहाँ पर टोयोटा या फिर मारुति ने क्या ट्वीक्स करे हुए हैं। टीजर ई बेस मॉडल के अंदर आपको के सीरीज वाली 1.2 लीटर की 4 सिलेंडर वाली मोटर मिल जाती है जो कि 88 bhp एंड 113 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस जरूर कर देती है। अगर इस गाड़ी की यहाँ पर मैं इंजन बे की बात करता हूँ सो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत मुझे खाली खालीपन तो जरूर लग रहा है, आपको यहाँ पर इंस्पिरेशन भी मिल जाती है, बट ट्रस्ट मी द इंजन इज ऑन द वेरी वेरी रिफाइन सेट। अगर इस गाड़ी की यहाँ पर मैं इंजन परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ सो पोस्ट थर्ड गियर द इंजन गोस ऑन एंड द इंजन ऑल्सो कीप्स रेविंग एट द सेम टाइम। सो नो गाड़ी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छी एंड टेपियर मिलती हुई जरूर दिख जाएगी। इवन नाउ कम टू द फ्यूल कैपेसिटी ऑफ दिस कार, सो आपको इस गाड़ी के 37 सीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है एंड ARAI ऑल्सो गिव्स अ मेजर ऑफ 21 km/h फ्रॉम दिस कार इन पर्टिकुलर, बट इन रियलिटी अगर आप इस गाड़ी को हाईवे एंड सिटी में कंबाइन चलाएंगे सो इजीली आपको 17 से 18 की यहाँ पर माइलेज मिलती हुई जरूर दिख जाएगी। इवन नाउ कम टू द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार, सो आपको यहाँ पे 2 एयरबैग मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही एंड जो इस गाड़ी का लोहा भी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करा है मारुति या फिर टोयोटा ने हम कह सकते हैं एंड अगेन भारत एनकैप में भी इस गाड़ी ने बहुत अच्छा सा परफॉर्म जरूर किया था। सो इफ नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट वेदर आई वुड बाय इट कंसीडर्ड और रिजेक्टेड, अगर आप यू नो अगर आप अपनी पहली गाड़ी लेना चाहते हैं जहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्राउंड की से अच्छी खासी लुक एंड यू नो आपको एक एसयूवी वाली फील आए सो आप इस मॉडल की तरफ जरूर जा सकते हैं, बट यू नो अगर आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं और आपको थोड़े से फीचर्स भी चाहिए नेसेसिटी वाले ऑब्वियसली सो आप इस गाड़ी का यू नो एस या फिर जी मॉडल भी ले सकते हैं। सो अगेन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, हम फिर आते रहेंगे और ऐसी वीडियो लेके। टिल देन पीस।